नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है फागुन मास की शुक्ला एकादशी व्रत कथा। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए सुनते हैं फागुन मास की शुक्ला एकादशी व्रत कथा। हरि प्रेमियों, वैसे तो हर महीने में दो एकादशियाँ आती है, एक शुक्ल एकादशी और दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी। हरि प्रेमियों, इसी प्रकार हर एकादशी का अपना अपना महत्व है। आइए आज की एकादशी आमला एकादशी व्रत की कथा का महत्व और कथा सुनते हैं। मानधाता राजा बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो आप किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी राजा मानधाता से बोले, हे राजन, सब व्रतों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ व्रत और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी व्रत है, जिसका मैं आपके आगे वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौ दान करने के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिस नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग आनंद के सहित रहते थे। उस नगर में हमेशा वेद ध्वनि गूंजा करती थी और पापी, दुराचारी और भगवान में भक्ति ना रखने वाले नास्तिक उस नगर में नहीं रहते थे। उनका उस नगर में कोई स्थान नहीं था। उस नगर में चतुरथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य था। वह अत्यंत विद्वान था और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दुखी और दरिद्र कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान श्री हरि के भक्त थे और सभी स्त्री पुरुष एकादशी व्रत का पालन करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल एकादशी आई। उस दिन राजा और उसकी प्रजा ने, सभी बच्चों ने, बूढ़ों ने और जवानों ने एकादशी का व्रत किया। राजा अपने परिवार और नगरवासी के सहित मंदिर में जाकर भगवान की पूजा और रात को जगराता करने लगा। पूरी रात जागरण करने के बाद फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। आमल की यानी आंवले को शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ स्थान मिला है। भगवान श्री विष्णु ने जब सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय आंवले के पेड़ को भी जन्म दिया। आंवले को भगवान श्री विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसके हर अंग में परमात्मा का स्थान माना गया है। आमल की एकादशी व्रत के पहले व्रत करने वाले को दशमी की रात में ही एकादशी व्रत के साथ भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एक वैदिस नाम का एक नगर था। वहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब चारों वर्णों के लोग आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में वेद ध्वनि हमेशा गूंजा करती थी। वहाँ पर कोई भी पापी, दुराचारी और नास्तिक जीव नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा का शासन चलता था। वह प्रकांड विद्वान और बहुत ही धार्मिक राजा था। उस नगर में न तो कोई गरीब था, न ही कोई कंजूस था।
पूरे नगरवासी भगवान श्री विष्णु के भक्त थे और वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी के दिन राजा प्रजा और बाल बूढ़े सब हर्षपूर्वक व्रत रखने लगे। इस दौरान राजा अपने प्रजा के साथ मंदिर में गया और पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नवेद्य पंचरत्न और धात्री यानी आंवले का पूजन किए और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित सब पापों का नाश करने वाले महाराज, तुम्हें मेरा नमस्कार है। कृपा करके मेरा यह अर्घ स्वीकार कर लीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी आपसे विनती है कि अतः आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करके उसी तरह वह मंदिर में रात को जागरण करने लगा। रात के समय जब वह वहाँ पर एक अत्यंत पापी और दुराचारी बहेलिया आया। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके करता था और भूख और प्यास से वह बहुत ही व्याकुल था। बहेलिए को इस दिन कुछ नहीं मिला और वह मंदिर में जाकर आराम करने लगा। बहेलिया जब यह देख रहा था कि सब लोग जागरण कर रहे हैं तो बहेलिया भी उनको देखने के लिए मंदिर के एक कोने में जा कर बैठ गया। वह भगवान विष्णु तथा एकादशी की महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार मनुष्यों के साथ सभी के साथ रात जाकर उस बहेलिए ने भी पूरी रात जागते हुए बिता दी। सुबह होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया और अपने घर जाकर उसने भोजन ग्रहण किया। कुछ समय बीत जाने के बाद बहेलिए की मृत्यु हो गई, लेकिन आमल की एकादशी व्रत करने से और रात में जागरण करने से उसने राजा विदुरत के घर में जन्म लिया। यहाँ उसका नाम वसुरथ रखा गया और वह चतुरंगिनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गायों का पालन करने लगा। इस प्रकार तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, क्षमा में धरती माँ के समान और वीरता में भगवान श्री विष्णु के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और परम विष्णु भक्त था। दान देना तो उसका हर रोज का काम था। वह प्रजा के का समान भाव से पालन किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए वन गया। दैवयोग से वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान ना होने के कारण उस वन में एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहाँ पर आ गए। राजा को अकेला सोते हुए देखकर उसको कहने लगे कि मारो मारो, इस राजा की ओर कहकर दौड़ने लगे। मलेच्छ कहने लगे, किसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र और अनेक सभी रिश्तेदारों को मारा है। इसे देश से निकाल दिया गया है, इसे अवश्य मार देना चाहिए। ऐसा कहकर सब मलेच्छ राजा को मारने के लिए भागने दौड़ने लगे और उन पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। राजा के शरीर पर वे अस्त्र शस्त्र गिरते ही नष्ट हो जाते और ऐसे लगते जैसे पुष्प के समान हल्के होते हैं। फिर उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा पलटा कर उन्हीं की तरफ वह जाने लगे और वे सब मलेच्छ मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री बहुत ही सुंदर मगर उसकी प्रकृति टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह दूसरे काल के समान दिखाई पड़ती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी। थोड़ी ही देर में उसने सभी मलेच्छों को काल के ग्रास बना दिया। जब वह राजा की आँख खुली तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा,
इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस गहन जंगल में मेरा हितैषी और कौन हो सकता है? यहाँ कौन रहता है? वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी आकाशवाणी सुनाई दी, हे राजन, इस संसार में भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है? आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में वापस आ गया और सुखपूर्वक रहने लगा। कथा सुनने के बाद महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी का प्रभाव ही था। जो भी मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करता है और वे प्रत्येक कार्य में सफल हो जाते हैं और मरने के बाद भगवान श्री विष्णु के लोक में जाते हैं, वैकुंठ लोक में जाते हैं। हरि प्रेमियों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये एकादशी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री विष्णु। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।